नमस्ते दोस्तों, ईटीसी इंफॉर्मेशन चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर हिस्ट्री की। वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपने सजेशंस जरूर दीजिए, ताकि हम आपको बेहतरीन कंटेंट डिलीवर कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं। कंप्यूटर के इतिहास की अगर बात करें तो ये काफी जटिल है और इसमें समय के साथ कई व्यक्तियों का योगदान शामिल है। पहले कंप्यूटर के विकास में कुछ प्रमुख माइलस्टोन इस प्रकार हैं। चार्ल्स बाबेज एनालिटिकल इंजन साल 1837 में विकसित किया गया। ये मॉडर्न कंप्यूटर्स का वैचारिक अग्रदूत माना जाता है। इस एनालिटिकल इंजन को ब्रिटिश गणितज्ञ चार्ल्स बैबेज द्वारा डिजाइन किया गया था। हालांकि यह उनके जीवन काल के दौरान कभी भी पूरी तरह से नहीं बनाया गया था, लेकिन बैबेज के विचारों ने प्रोग्रामेबल मशीन्स के विकास की नींव रखी। कोनराड जूस Z3 साल 1941 में एक जर्मन इंजीनियर कोनराड जूस को Z3 नामक दुनिया का पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्रोग्रामेबल कंप्यूटर बनाने का श्रेय दिया जाता है। यह डेटा और इंस्ट्रक्शंस के लिए बाइनरी रिप्रेजेंटेशन का उपयोग करता था और फ्लोटिंग पॉइंट अरिथमेटिक ऑपरेशंस जैसे कई डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकता था। विश्वयुद्ध के कारण उस समय Z3 व्यापक रूप से ज्ञात नहीं था, ये ज्यादा फोकस में नहीं आया और अन्य प्रारंभिक कंप्यूटिंग विकासों से कुछ हद तक अलग रहा। ENIAC इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर साल 1946 में पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में जॉन W. मॉचली और जे प्रेस पर एकर्ट द्वारा विकसित ENIAC पहला जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। यह काफी विशाल था, जिसमें हजारों वैक्यूम ट्यूब शामिल थे और इसे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकी सेना के लिए कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस को हल करने के लिए डिजाइन किया गया था। UNIVAC एक यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर साल 1951 में मॉचली और एकर्ट द्वारा विकसित UNIVAC एक संयुक्त राज्य अमेरिका में पहला व्यावसायिक रूप से निर्मित कंप्यूटर था। इसे 1952 के राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे की लाइव टेलीविजन पर सटीक भविष्यवाणी करने के लिए प्रसिद्धि मिली। ADVAC इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर साल 1952 में जॉन वॉन न्यूमैन और उनके सहयोगियों द्वारा डिजाइन किए गए ADVAC ने संग्रहित प्रोग्राम अवधारणा की शुरुआत की, जहां डेटा और इंस्ट्रक्शंस दोनों कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर होते हैं। यह आर्किटेक्चर अधिकांश आधुनिक कंप्यूटरों की नींव बन गई है। IBM 701 साल 1952 में IBM 701 डेवलप्ड हुआ। IBM का पहला व्यावसायिक रूप से उपलब्ध कंप्यूटर था। इसे वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग गणनाओं के लिए डिजाइन किया गया था और इससे कंप्यूटर बाजार में IBM एंट्री हुई। इन शुरुआती कंप्यूटरों ने अगले दशकों में अधिक उन्नत और कॉम्पैक्ट मशीनों के विकास का मार्ग प्रशस्त किया। ट्रांजिस्टर, इंटीग्रेटेड सर्किट और माइक्रोप्रोसेसर के आविष्कार के साथ कंप्यूटर इंडस्ट्री का विकास जारी रहा, जिससे आज हम उपयोग किए जाने वाले पर्सनल कंप्यूटर का विकास हुआ। तो ये थी जानकारी कंप्यूटर इन्वेंशंस की। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। हमारे चैनल पे हम बस 5 मिनट के अंदर इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।